सर्व मंगल मांगल्य शिवे शर्वार्थ शादी के शरण्य त्रियम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्यारे मित्रों जय श्री राम जय माता दी। मित्रों आज आपसे चर्चा करते हैं कि माँ भगवती आज शक्ति के परम पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं। इन्हीं नवरात्रियों के मध्य में एक सिंदूर तृतीया आती है जिसको हम तृतीया तिथि कहते हैं। तो ये तृतीया तिथि इस बार 28 सितंबर 2022 से बुधवार को पड़ेगी। शारदीय नवरात्र का तृतीय दिन होता है। देवी पार्वती ने माँ चंद्रघंटा के रूप को समर्पित किया था। यही तृतीया दिवस सिंदूर तृतीया के नाम से जानी जाती है। और आपसे अगर हम चर्चा करें तो अश्विन मास की तृतीया तिथि को सिंदूर तृतीया के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। सिंदूर को सुहाग की निशानी कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं अपनी मांग में सिंदूर को भरती हैं। सिंदूर शुभता का प्रतीक माना जाता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर तृतीया के दिन माता रानी को सिंदूर चढ़ाने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। सिंदूर को देवी पूजा में विशेष सामग्रियों में भी शामिल किया जाता है क्योंकि सिंदूर से भगवती प्रसन्न भी होती हैं। और सिंदूर तृतीया के दिन सुहागिन महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ा करके स्वयं उस सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाती हैं और उस बचे हुए सिंदूर को अपने यहाँ पर सौभाग्य की सामग्रियाँ रखती हैं वहाँ पर रखती हैं और नित्य निरंतर उस सिंदूर को अपनी मांग में भरा करती हैं। सो सिंदूर तृतीया को महातृतीया, सौभाग्य तीज या गौरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं इस पर्व को आपस में बड़े धूमधाम से मनाती हैं। एक माता दूसरी माता को, एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिंदूर लगाती है और इस दिन सफेद साड़ी जो लाल कलर के बॉर्डर की होती है उसको भी धारण करती है। पश्चिम बंगाल में ये प्रथा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान कराने का विचार बनता है, आप चाहते हैं कि वैदिक विधि के द्वारा, सुंदर मंत्रों के द्वारा हमारे घर में, हमारे निवास में, हमारी फैक्ट्री, हमारे प्रतिष्ठान में अनुष्ठान हो, पाठ हो, पूजा हो, संयंत्र की स्थापना हो या किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य कराना हो, जिस तरह से आप यदि घर में अपने दुर्गा का पाठ कराना चाहते हैं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान कराना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि हमारी जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में आ रही अनेक समस्याएं होती हैं, काल सर्व दोष, पितृ दोष इत्यादि की समस्याएं, गंडमूल इत्यादि की समस्याएं, तो उनका समाधान हमारे ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा किया जाता है। स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप लेकर के हमसे बात कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।